शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। उसने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, क्योंकि वो काव्या से प्यार करता था। ये हमारी खानदानी रेसिपी बुक है। इस किताब में कम से कम 100 से ज्यादा खानों की रेसिपी लिखी हुई है। हमारे खानदान में पूर्वजों के जमाने से इस किताब में लिखी हुई रेसिपी से ही खाना बनते आ रहा है। ध्यान रहे, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी दादी मां। लीजिए, अम्मा जी भी आ गई। प्रणाम। प्रणाम मेनका। वो मैंने कहा था चाय कॉफी के लिए, बट इन्होंने मना कर दिया। नहीं नहीं भवानी जी, मैंने ही मना किया था। पग फेरे के लिए बिटिया को लेने आए हैं, बस लेके निकलते हैं। बैठिए। हमें पता है ओम जी, मगर हम आपको ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। आज काव्या की इस हवेली में पहली रसोई है, तो उसने कुछ खास बनाया है। हम चाहते हैं कि आप उसे चखें और बताएं कि आपकी बिटिया ने कैसा बनाया होगा। जी जरूर। बद्री, बहुरानी ने जो बनाया है वो लेकर आ। काव्या ने हमारे खानदानी रेसिपी बुक से सीखकर कुछ बनाया है। आ गया, आप चक्कर बताइएगा कैसा बना है। खुशबू से ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही बना होगा। जी हाँ, आपकी खानदानी रेसिपी से बना शाही पकवान है, खुशबू तो अच्छी आएगी ही। अम्मा आखिर करना क्या चाहती है, इतने प्यार से क्यों बात कर रही है इनके साथ। जी आपके हिसाब से ये क्या बना है? इसमें तो भिन्न भिन्न तरह की सब्जियां हैं और थोड़ी बहुत दाल है। जी, कुछ दाल और सब्जी मिक्स करके कुछ बनाया है। हाँ। कोई शाही पकवान ही है। अरे लो, करण और काव्या भी आ गए। अरे इधर बैठ। अच्छा हुआ काव्या तुम आ गई। अब तुम ही बताओ कि तुमने ये क्या बनाया है। नवरत्न दाल बनाई है। क्या? अब आप समझ गए क्या बना है। जब आपके घर में दाल बनती है तो क्या उसमें सब्जियां पड़ती हैं? नहीं। अब इस ड्रामे में मेरी एंट्री का टाइम आएगा। अरे अम्मा जी, रहने दीजिए ना, बेचारे काव्या को अपने कॉलेज की पढ़ाई भी तो करनी है। पढ़ाई शुरू कर दी है ना उसने, शायद इसीलिए बेचारी को रेसिपी पढ़ने का टाइम नहीं मिला होगा। नहीं नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो कल रात को पूरी रेसिपी। बद्री, जी रानी माता। काव्या के कमरे से सारी किताबें लेकर आओ।
दादी माँ, अब आपके कहने लायक कुछ बचा नहीं है करण। आपके कहने पर हमने इस लड़की को मौका दिया था, मगर इसने हमें निराश कर दिया। इन किताबों को जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, अब घर गृहस्थी का पाठ हम तुम्हें सिखाएंगे। इन किताबों की अब कोई जरूरत नहीं है। पदरी, इन किताबों को बाहर फेंक कर आओ। दादी माँ, बहुत तमाशा हो गया, आपने कुछ नहीं सिखाया उसे। जब पग फेरे के बाद वो दोबारा इस हवेली में आएगी तो हम हवेली के तौर तरीके उसे अपने तरीके से सिखाएंगे। मिलते हैं। दाल में सब्जी तो ऐसे तो कोई भी माँ, मैं जानती हूँ कि दाल में सब्जियाँ नहीं डलती माँ, उस रेसिपी बुक में तो ऐसा ही लिखा था, और फिर मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने सोचा शायद शाही नवरत्न दाल ऐसी ही बनती होगी। जी, वो दामाद जी ने कुछ कहा क्यों नहीं, चुप क्यों रहे? पापा जी, काव्या, सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं और उसका मुझे सीधा सा जवाब चाहिए। करण प्रताप सिंह तुम्हारे पति हैं, और उस नाते उनका कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं? पति होने के सारे कर्तव्य निभाए हैं उन्होंने, और कभी पीछे नहीं हटे वो। तो जब भवानी जी बात कर रही थी चुपचाप खड़े क्यों थे? क्योंकि पापा जी, मैंने ही उनसे कहा था। तुमने उनसे कहा और वो मान गए? पापा जी, मेरी बात देखो काव्या, मैं जानता हूं कि तुम करण से बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक पति होने के नाते उन्हें तुम्हारे प्यार की इज्जत करनी चाहिए, और एक पिता होने के नाते मेरा यह अधिकार है कि कम से कम मुझे पता चले कि मेरी बेटी के जीवन में चल क्या रहा है। उसका पति जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके शादी करके लेके गया, उसके साथ खड़ा है भी या नहीं? हाँ, माना कि तुम्हारी गलती थी,
और इस वजह से पढ़ाई बंद करवा दी ना। नहीं काव्या, नहीं, आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। करण जैसे पढ़े लिखे इंसान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उनके सामने हमारी सारी किताबें घर से बाहर बिकवा दी गई और वो कुछ नहीं कहे, खामोश खड़े रहे, एक शब्द तक नहीं निकला उनके मुंह से। पापा जी, एक मिनट, बस एक मिनट के लिए शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अब सुनने समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भैया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी दादी काव्या भाभी के साथ ऐसा कर सकती है। आपकी और भाभी की शादी से दादी नाराज है, ये तो मुझे समझ आ गया, पर नाराजगी में उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है भैया। पापा जी, आप सही है, आपने जो हवेली में देखा वो सच है, वो पूरा सच नहीं है। तो तुम्हें बताओ ना काव्या, पूरा सच क्या है? बताती हूँ पापा जी, सच ये है कि अपनी जगह दादी माँ भी सही है। करण सर के लिए जैसी बहू वो चाहती थी, मैं शायद अब तक वैसी बहू बन नहीं पाई हूँ। तो उनकी नाराजगी अपनी जगह ठीक है, और रहा सवाल करण सर के सपोर्ट का, तो इन 7 दिनों में जब से मैं उस घर में गई हूँ, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे लिए बोला, यहाँ तक कि दादी माँ के सामने भी उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ निभाया है। देखा मैंने किस तरह से वो खड़े थे। पापा जी, वो मेरे कारण ही चुप थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से करण सर और दादी माँ के बीच में दूरियां बढ़ी। मैं खुद उनका दिल जीतना चाहती हूँ, अकेले। और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? इशिका, मैं पढ़ाई की इम्पोर्टेंस जानता हूँ। अगर आप जानते हो तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। एक दाल के चक्कर में दादी ने काव्या भाभी की बुक्स फेंक दी, उनकी पढ़ाई बंद करवा दी, और आपने कुछ नहीं कहा। How strange! आखिरकार भाभी तो आपके भरोसे आई है ना इस हवेली में, कितना अकेला महसूस कर रही होंगी वो। इशिका, मैं कुछ सोच समझ कर चुप रहा। अगर मैं हर बार काव्या के लिए दादी माँ से बहस करूंगा ना, तो दादी माँ और काव्या के बीच की दूरियां और बढ़ती जाएंगी। इसलिए ये काव्या का फैसला था कि वो दादी माँ का दिल मेरे सहारा नहीं बल्कि अपने बलबूते पर जीतेगी। एंड आई रिस्पेक्ट द डिसीजन यार। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं हर प्रॉब्लम को एक ही तरह से नहीं सुलझाता, पर आज जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आज जो हुआ वो काव्या के माँ बाप के सामने नहीं होना चाहिए था। अगर आज मैं दाल खराब नहीं बनाती तो दादी माँ मुझसे नाराज भी नहीं होती, और मेरी पढ़ाई बंद करवाने की तो नौबत ही नहीं आती। पापा जी, दादी माँ मुझे एक अच्छी बहू बनाना चाहती हैं, और अगर एक बार मैं सब कुछ सीख लूंगी ना, तो शायद दादी माँ खुद ही मुझे मौका दे दे फिर से पढ़ने का। पापा जी, दादी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा नाराज है। मैं उनका दिल जीत कर दिखाऊंगी और आपके संस्कारों को कभी हारने नहीं दूंगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, पर वो समझ जाएंगे। तुम कहती हो तो मान लेता हूं काव्या, मगर दामाद जी का पक्ष लेना बंद करो। पापा जी, काव्या, जाने दो बेटा, अभी तुम्हारे पापा जी का मूड ठीक नहीं है। कमाल है, पापा जी को लगता है मैं करण सर को सपोर्ट कर रही हूँ, और दादी माँ को लगता है करण सर मुझे सपोर्ट करते हैं। क्या लव स्टोरी है।
काव्या कहाँ खो गई बेटा? कुछ कुछ होता है माँ, तुम नहीं समझोगी। ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, अब ना मुझे आपसे रसोई की पूरी ट्रेनिंग चाहिए। हाँ पूरी ट्रेनिंग दूंगी तुम्हें, चल आजा। माँ मुझे ना कोई अच्छी सी सब्जी बनाना सिखा लो। बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन सब्जी बनाने में सबसे पहले क्या लगता है? प्याज। ये लो तुम प्याज काट के दिखाओ। चलो बहुत जल रहा है माँ। बेटा ऐसे काटोगी तो जलेगा ही। दिखा ये जो है ना, इसके बीच में से इसे ऐसे प्याज का जो सफेद भाग है ये ऐसे निकाल दो और अब काटो। अरे हाँ माँ, अब तो जलन बिल्कुल भी नहीं हो रही। प्याज भी कट गया और आंखों में से आंसू भी नहीं आए। टुकड़ा बर्फ का डाल, नहीं तो ये मिक्सी की गर्माहट से चटनी काली पड़ जाती है। देखा इसे खिला हुआ हरा रंग आया है चटनी का। हाँ माँ सच में अच्छी है। पृथ्वी अब तक ट्यूशन से नहीं आया? वो रास्ते में किसी दोस्त से बातें करने लग गया होगा। अपने बेड पे लेटती हूँ। तुमने मुझे मिस किया? बहुत किया, इतना मिस किया कि रो रो के तो मेरे आंसू ही सूख गए। हाय ड्रामेबाज। अरे आयु तुम कहाँ थे इतने देर से? मुझे आए हुए तो काफी टाइम हो गया। कहीं तुम मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे ना? क्या? अरे कुछ बोलोगी भैया? मैं कभी मैं बता रहा हूँ। अरे रुक जा, अरे क्या कर रही हो? मैं बता रहा हूँ। आइए तुम मेरे साथ किचन में चलो, मुझे ना ढेर सारी बातें करनी है तुम्हारे साथ। अरे यार मैंने ही बुलाया है आयुष्मान को काव्या से मिलने के लिए।
आज के दिन अपना गुस्सा भूल जाइए। पार्वती, भाई साहब, मंजरी दीदी और मैंने फैसला लिया है कि आज के दिन काव्या की खुशी के लिए हम सब भी खुश रहते हैं। हम आज के दिन ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक ही दिन की तो बात है, कल तो हम लोग हमेशा हमेशा के लिए ग्वालियर छोड़कर चले जाएंगे। पता नहीं ये बचपन के दोस्त फिर कब मिल पाए। अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। बताया आई हूँ, घर में जब से आई हूँ ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कभी इस घर को छोड़कर गई थी। जैसा छोड़ा था बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अरे ये क्या, मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ, तुम तो सुन ही नहीं रहे हो। सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ बाबा सुन रहा हूँ, तुम बोलो। हाँ तो मैं वो एक बात बताओ, आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? शादी के बाद टाइम तो नहीं मिला होगा। तुम्हें याद है ना कुछ ही दिनों में हमारे एग्जाम्स हैं। पदरी, इन किताबों को बाहर फेंक कर आओ। याद है ना? याद कैसे नहीं, मैंने सारी पढ़ाई कर ली। वो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो अच्छे से तैयारी कर लेना। क्या आयो तुम भी, जब देखो तब एग्जाम एग्जाम पढ़ाई पढ़ाई यही बातें करते रहते हो। अच्छा मुझे बताओ कॉलेज कैसी चल रही है? मैं ना कॉलेज को बहुत मिस कर रही। कॉलेज की मस्ती, वो एनुअल फेस्ट की प्रिपरेशन, नोक छोक, हंसी मजाक और सबसे बेस्ट तो वो कॉलेज के समोसे। मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है? ये कैंटीन के समोसे। वाह, कैंटीन के समोसे! अरे नहीं नहीं सब मेरे हैं, अब मैं ही खाऊंगी। कौन आ गया? जी आप कौन? अरे अरे लोटा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार, आप आइए आइए, खड़े क्यों, अंदर आइए। नमस्ते। नमस्ते। कहिए लोटा जी क्या लेंगे, चाय या शरबत? जब तक चाय बन रही है ना शरबत मंगा लीजिए। जी मैं भी लेकर आती हूँ। रुकिए, अम्मा जी ने ये भेजा आपके लिए। ये क्या है लोटा जी? जब पगफेड़े के लिए आएंगे तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना होना चाहिए। वैसे भी हमने और उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। हमने देखा है कि काव्या के पिता वचन तो देते हैं पर वचन निभाने में चूक जाते हैं। कहीं अपनी हैसियत के हिसाब से खातिरदारी कर दी तो हमारी नाक कट जाएगी। लोटा जी
काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।